तेजस और बुलेट ट्रेन दौड़ाने वालों जरा आंखें खोल कर देख लो। आपकी बदौलत मौत का सफर करने को मजबूर हुए बच्चे, अगर किसी की जान जाती है तो क्या जिम्मेदारी उठाएंगे जुमलेबाज? जब जब मुल्क के हाकिम सामने आए, विकास की बात हुई, रफ्तार की बात हुई, तो लोगों के सामने बुलेट ट्रेन का सपना परोस दिया। नहीं पूरा कर सके तो पहले से चल रही किसी ट्रेन को प्लास्टिक से ढककर तेजस ट्रेन बनाकर दौड़ा दिया, जो दो दिन में ही हाफ गई थी। लेकिन बात यहाँ ट्रेन की नहीं है, बल्कि जिंदगियों की है। जो तस्वीरें आप देखेंगे तो जुमलेबाज सरकार की एक एक परत खोल जाए। ये किसी त्योहार पर घर जाने की जल्दबाजी करती हुई भीड़ नहीं है जो ट्रेन के हर एक हिस्से पर लटक कर घर जाने को मजबूर है, बल्कि ये मुल्क के वो मुस्तकबिल है जिनकी बदौलत बीजेपी के अव्वल दर्जे के नेताओं को सरकार में रोजगार मिला हुआ है। लेकिन उसी सरकार से एक रोजगार पाने की आस में जिंदगी को दांव पर लगा रहे और बात बात पर सुविधाओं की डींग आंकने वालों की फौज चुपचाप बैठ कर तमाशा देख रही। उत्तर प्रदेश में इन्हीं बच्चों की बदौलत बीजेपी का इंतजार खत्म हुआ था। यूपी के छोटे वाले हुजूर सत्ताधीश हुए तो नौकरी का वादा कर बैठे। जब कोई एग्जाम कराया तो उसमें नकल माफिया की फौज ने टंके की चोट पर सेंध लगा दी, जिसके बाद एक और ऐलान किया गया कि बच्चों मत करो फिक्र, पीईटी है ना। ये बच्चे पीईटी एग्जाम देने के लिए घर से बाहर निकले, कोई बस अड्डे पर एक अदद बस के लिए इंतजार करता नजर आया तो कोई सुबह से लेकर शाम तक ट्रेन के इंतजार में प्लेटफॉर्म पर ही खड़ा रह गया। जो भी ट्रेन सामने से गुजरती वो पहले से ही खचाखच भरी हुई थी, जिसको जहां जगह मिली वो वहां लटक गया। कुछ छत पर बैठ गए, कोई खिड़की पर लटक गया, इस उम्मीद के साथ कि वक्त पर पहुंच गए मंजिल तक तो जिंदगी सवर जाएगी। लेकिन जिंदगी को सवारने के लिए देश के भविष्य ने खुद की इस जिंदगी को दांव पर लगा दिया। ट्रेन को चलाने वाले को कोई दिक्कत नहीं, उसने भी उसी रफ्तार से ट्रेन को दौड़ा दिया। मुल्क के बच्चे भेड़ बकरियों की तरह ट्रेन पर लटके रहे, लेकिन बात बात पर बच्चों के भविष्य को संवारने का दावा करने वाले सरकारी पहलवानों को शर्म नहीं आई। यकीन मानिए, जिस उत्तर प्रदेश में पीईटी एग्जाम के लिए बच्चों को जान जोखिम में डालनी पड़ रही है, अगर उसी उत्तर प्रदेश में ये बच्चे कांधे पर बस्ता नहीं कांवड़ उठा लेते तो यूपी के सारे सफेद पोश उड़न खटोले में बैठ कर पुष्प वर्षा कर रहे होते। इनकी हिफाजत के सारे इंतजाम किए गए होते, लेकिन सरकार से एक अदद उम्मीद तो सरकार ने इनको किस हालत में लाकर खड़ा कर दिया, खुद ही देख लिया। बच्चों को तकलीफ होती है तो होने दीजिए, बच्चे अपनी जान जोखिम में डालते हैं तो डालने दीजिए जानू की, क्योंकि देश में 2014 के बाद से और उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद से रामराज आ गया है। बाकी सब चंगा से, इस हालात को देखकर आप क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। स्पेशल डेस्क द कंटा।